गाइज वेलकम बैक। अगर आप यहाँ पे बीच कैंप में मास्टरी करना चाहते हो, उसी के साथ नूब टू प्रो होना चाहते हो, गाइज अगर आप यहाँ पे कैंपिंग कर करके थक गए हो, आप एकदम यहाँ पे रस गेम प्ले खेलना चाहते हो लेकिन गाइज आपका डिवाइस वगैरह सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपके पास प्रॉपर स्क्वाड नहीं है, आप यहाँ पे लैग वगैरह हो रहा है, आपको यहाँ पे एकदम मूवमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, गाइज इस वीडियो को देखने के बाद ना आपको यहाँ पे ये सब प्रॉब्लम हट जाएगा, क्योंकि ऐसा यहाँ पे न्यू मोड हमें आपको यहाँ पे लेके आए हो ना, जिसमें ना आप यहाँ पे ईजिली रसिंग टेक्निक वगैरह सीख सकते हो, नूब टू प्रो कैसे होते हैं, एकदम रस कैसे करते हैं, ग्रेनेड कैसे थ्रो करते हैं, एकदम बेसिक से लेके एकदम प्रो ट्रिक तक सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको डिटेल सिखाने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है लेकिन गाइज एंड में ना अगर आप यहाँ पे शुरू में आपको कुछ भी नहीं आता ना, एकदम न्यू प्लेयर हो ना, एंड में आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होने वाला हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा एंड तक देखोगे ना आपको यहाँ पे मैं मैसिव पॉपुलरिटी गिवअवे के बारे में बताने वाला हूँ, तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो गाइज ये मोड आपको 2.5 अपडेट के बाद ब्रिज कैंप वगैरह ब्रिज का मोड देखने को मिल जाएगा, कोई भी एक सिर्फ एक मोड है, आपको यहाँ पे आ जाना, 6 vs 6 का यहाँ पे मैच लगता है और आपको यहाँ पे साइड में काफ़ी ज़्यादा कार देखने को मिल जाएंगी, सीधा आपको यहाँ पे एनिमी में ठोक देना, कुछ भी नहीं करना, ठोक देना और प्रॉपर 1v1 फाइट लेना। हाँ गाइज अगर आप यहाँ पे इससे प्रॉपर 1v1 फाइट लेगोगे ना, आपका यहाँ पे गेम सेंस वगैरह काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगा, आपका यहाँ पे एक्यूरेसी बढ़ेगा, आपका एम भी बढ़ेगा। देखो गाइज मैं यहाँ पे सीधे का सीधा ठोक दिया, एक एनिमी यहाँ पे पीछे से मार रहा था तो मैं यहाँ पे इसको छोड़ दिया, इसको मार दिया, तो ऐसे आपको यहाँ पे ठोकते रहना, क्योंकि आपके पास यहाँ पे 6 स्क्वाड होगी लेकिन आपको स्क्वाड के एकदम स्क्वाड के मेंबर के साथ कुछ भी करना ही नहीं है, सोलो खेलना है, एकदम 6 को आप 1v6 समझ के खेलना, क्योंकि आपका यहाँ पे कुछ भी माइनस वगैरह कुछ भी नहीं होने वाला है, तो एकदम बिंदास खेलना, क्योंकि एकदम ये तो एकदम एरिना मोड मतलब है गाइस, एक एरिना मोड पार्कर मोड होता है ना, ऐसा एक ये हम यहाँ पे मोड है, तो यहाँ पे आपको 2 M4 और स्नाइपर दोनों ही देखने को मिल जाएगी, मतलब गाइस यहाँ पे आपका AR का भी प्रैक्टिस हो जाएगा और स्नाइपिंग का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, स्नाइपिंग का काफ़ी ज़्यादा मस्त प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑब्स्टिकल्स वगैरह काफ़ी देखने को मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे कवर वगैरह देखने को मिल जाएगा और आपको पास यहाँ पे 3-3 ग्रेनेड 3 स्मोक और आपको यहाँ पे 2-3 मोलोटोव वगैरह भी देखने को मिल जाएगी, मतलब गाइस आपको यहाँ पे सब चीज़ देखने को मिलेगी, नॉर्मल जो गेम में होता है ना वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, तो देखो गाइस यहाँ पे आप प्रॉपरली ये जो आई बटन है ई बटन है ना मैंने यहाँ पे बीच में रखा, आपको ये बीच में रखना है जिससे आप यहाँ पे ईजिली ग्रेनेड थ्रो में हेल्प कर पाओगे। अभी के लिए मैं ये यूज़ नहीं कर रहा हूँ, अभी गाइस मैंने यहाँ पे लैग वगैरह रिमूव के लिए गेम अनइंस्टॉल वगैरह किया था, आप भी कर सकते हो अगर लैग वगैरह हो रहा है ना, मैंने यहाँ पे इस चैनल में काफ़ी ज़्यादा लैग रिमूविंग वीडियोज़ वगैरह डाल सकती है, लैग हो रहा है 2.5 अपडेट के बाद नेटवर्क बिजी आ रहा है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। इसके साथ सबसे पहला पॉइंट होगा गाइस मैंने आपको यहाँ पे क्या क्या बताया, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे घुस जाना, जैसे ये बंदा अभी मेरे ऊपर घुस गया था ना वैसे आपको यहाँ पे घुस जाना, आपको एकदम वेट बिल्कुल भी नहीं करना है और यहाँ पे आपको तुरंत कोई भी टाइम मिले ना आप यहाँ पे मेडिकेट वगैरह लगा सकते हो, आपको यहाँ पे एकदम घुसते रहना है, घुस के यहाँ पे देखो गाइस मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा टाइम मिल गया, तुरंत आपको यहाँ पे हेल्थ रिकवर कर लेना, सबसे पहले आपको यहाँ पे हेल्थ रिकवर करना और सेकेंडली आपको यहाँ पे फिनिश की तरफ नहीं जाना, मतलब गाइस सिर्फ नॉक नॉक करते जाना, जितना आप यहाँ पे नॉक करोगे ना उतना आपको यहाँ पे एम वगैरह बढ़ेगा, देखो गाइस यहाँ पे आपको एम वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलेगा ये मोड खेलने के बाद, ये मोड में गाइस सब कुछ है, मतलब गाइस जो नॉर्मल आप यहाँ पे गेम प्ले में होता है ना वो सब चीज़ आप इस मोड के थ्रू सीख सकते हो, आप यहाँ पे एनिमीज के साथ भी कोऑर्डिनेशन वगैरह कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आप यहाँ पे जब भी ये मोड यहाँ पे गाइस 8 मिनट का होने वाला, जो आप हमारा यहाँ पे नॉर्मल TDM होता था वैसा ही होने वाला है, और इसमें आपको यहाँ पे खुले आम बिंदा ऐसे ऐसे तो नहीं करना गाइस, यही मैं आपको दिखा रहा था कि ऐसे आपको यहाँ पे खुले आम इतना भी खुले आम जाओगे तो मारे जाओगे, तो एकदम ऑब्स्टिकल्स या फिर कवर वगैरह लेके आपको यहाँ पे जाना है और एकदम घुस जाना है, मतलब गाइस रस करना है। मैं आपको देखो गाइस अभी मैं यहाँ पे शुरू शुरू में खेल रहा था तो मेरे को यहाँ पे इस मोड के बारे में इतना नॉलेज नहीं था, एंड में देखो गाइस मैं यहाँ पे कितना लोगों को मारने वाला, मतलब गाइस घुस ही रहा हूँ, मतलब घुसते का घुसना ही, आपको यहाँ पे पहले घुसना सीखना है, घुसना सीखोगे ना आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो लाइफ में, एकदम प्रो ट्रिप बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसके बाद ना आपको यहाँ पे ना एकदम ये व्हीकल का भी यूज़ ना अच्छे से करना है, मतलब गाइस व्हीकल भी एकदम अच्छा चीज़ हो सकता है, देखो गाइस सीधा घुस के मैं आपको इसके साथ 1v1 फाइट लेके इसको मार दिया और इसी व्हीकल से मैं आपको यहाँ पे अब कवर ले रहा हूँ, तो ये गाइस ये एकदम पॉइंट टू बी नोटेड है, मतलब जिस व्हीकल से मैं यहाँ पे ठोका बंदे को उसी व्हीकल से मैं उसको मार दिया, उसी से कवर ले रहा हूँ, तो ये एकदम पॉइंट आपको यहाँ पे रिमेंबर करना चाहिए। उसी के साथ देखो गाइस आपको यहाँ पे ये जली हुई व्हीकल्स के साथ कभी भी नहीं खेलना चाहिए, देखो मैं यहाँ पे व्हीकल एक्सप्लोजन के थ्रू मर गया,
गया। आपको यहाँ पे ऐसे मिस्टेक्स वगैरह कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ पे एकदम एनिमी के साथ एकदम 1v1 प्रॉपर। अब फुल समराइज करता हूँ गाइस क्या क्या होने वाला। मैंने मैं आपको यहाँ पे 5 टिप्स दूंगा जिससे आप यहाँ पे इजीली अपना गेम वगैरह कर सकते हो। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे लो एंड डिवाइस हो ना, लैग वगैरह कर रहा है, मैंने यहाँ पे चैनल पे काफ़ी ज़्यादा लैग रिमूविंग वीडियोस डाल रख दिए, आप यहाँ पे सारी देखोगे ना आपका लैग तो पहले सबसे पहले रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आपको पास यहाँ पे स्क्वाड वगैरह नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पे रैंडमली खेल सकते हो, रैंडमली स्क्वाड मिलेंगी। थर्डली आपको यहाँ पे 1v1 फाइट में ज़्यादा इंगेज होना है जिससे आपका यहाँ पे 1v1 फाइट पूरा का पूरा स्ट्रांग हो जाएगा। आपके पास यहाँ पे जो एम है ना एकदम परफेक्ट हो जाएगा। अभी मेरा यहाँ पे एम वगैरह हिल रहा है तो ये एम आपको यहाँ पे नहीं हिलेगा और स्नाइपिंग स्किल भी आपके यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट ये है गाइस, आपके यहाँ पे ऑलराउंड गेम सेंस भी डेवलप होने वाला है। आप यहाँ पे कवर लेना है, कब आपको यहाँ पे ग्रेनेड फेंकना है, कब आपको यहाँ पे परफेक्टली फर्स्ट एड लगाना है, मतलब गाइस जब भी आप यहाँ पे हेल्थ लो हो जाते तभी जब भी आपको यहाँ पे फर्स्ट एड नहीं लगाना है। आपको यहाँ पे टाइम एंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना यहाँ पे गेम प्ले को रिएक्ट करना है, अपने यहाँ पे बंदे को रिएक्ट करना, मतलब गाइस अब ये यहाँ पे सीधा थोक दिया, अब मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता, इसको मारना ही पड़ेगा। मैं यहाँ पे बॉम्ब वगैरह तो नहीं फेंक सकता ना, मेरे को यहाँ पे 1v1 फाइट तो लेनी पड़ेगी। तो ऐसे आपको यहाँ पे एकदम तुरंत आपको यहाँ पे रिएक्ट करना है अपने गेम प्ले के अनुसार। अब मेरे पास यहाँ पे टाइम है तो मैं यहाँ पे ऐसे ही रिवाइव नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे स्मोक वगैरह करके रिवाइव कर रहा हूँ। तो ये एकदम बेसिक से बेसिक चीज़ है गाइस जो आपको यहाँ पे, अभी तो ये TDM है, इसमें तो कुछ भी आपको यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप यहाँ पे रियल मैच खेल सकते हो लिविक में तब आपको यहाँ पे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाला है। क्योंकि गाइज यहीं से अगर आपको यहाँ पे हैबिट रहेगी, यहीं पे आपके पास यहाँ पे गेम सेंस रहेगा, कैसे खेलना है एकदम गेम के बारे में प्रॉपर नॉलेज रहेगा, परफेक्ट एक्यूरेसी रहेगी। गाइज एक्यूरेसी इज़ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। एंड द लास्ट पॉइंट से पहले मैं आपको इन्हीं पॉइंट्स के बारे में बताना हूँ, इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर आपको यहाँ पे डेली वॉक करना है। आप यहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड्स वगैरह ना छोड़ सकते हो, ट्रेनिंग वगैरह से अलावा आपने यहाँ पे इस ये जो पार्कल मोड्स है ना, इन पार्कल मोड्स में अगर आप यहाँ पे दिन के 10 या 15 मिनट भी टाइम दोगे ना, आपके यहाँ पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गेम सेंस इम्प्रूव होगा। और लास्टली और लिस्ट आपको यहाँ पे कभी भी ना मैं इसको नहीं मार सकता ऐसा नहीं थे सोचना है, मतलब गाइस इतना HP है ना, 1 HP में भी आपको यहाँ पे लास्ट तक ना फाइट करना है, मतलब आपको यहाँ पे लास्ट तक ना मैं इसको यहाँ पे नहीं मार सकता। अभी आपको गिव अप नहीं कर देना, जब भी आपको यहाँ पास यहाँ पे चांस मिला ना आपको मार देना, मतलब गाइस आपके पास यहाँ पे कभी कभी लक भी हो सकता है और लक के थ्रू भी आप यहाँ पे कभी कभी एनिमी को मार पाओगे। तो ऐसे आपको यहाँ पे कभी भी यहाँ पे नहीं छोड़ना है कि अब मेरे पास यहाँ पे लक नहीं है, मैं यहाँ पे हार जाऊँगा, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। और लास्टली मैं कहूँगा गाइस एक प्रॉपर स्क्वाड आप बना लो जिससे आपको यहाँ पे हेल्प मिलने वाले। देखो गाइस प्रॉपर स्क्वाड नहीं थी, मैंने यहाँ पे अभी जो बताया ना ये पॉइंट्स फॉलो नहीं कि इससे मैं यहाँ पे हार गया। और आप अगर यहाँ पे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स स्क्वाड हाउस रस के ऊपर चाहिए ना, वीडियो पूरी बना सकूँ, मेरे चैनल पर जाके देख लेना या फिर आई बटन में देख लेना।